बिहार में नए शिक्षकों की नियुक्ति दिवाली से पहले हो जाएगी। मध्य अक्टूबर तक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ये निर्देश जारी किया है। के पाठक ने लेटर के जरिए सभी जिला अधिकारी को ये निर्देश दिया है कि जल्द ही शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक ऐसी जगह का चयन करें जहां औसतन 2 से 3 हज़ार के बीच में शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों के भीतर पूरा किया जा सके। शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीपीएससी अनुशंसित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को अपने अपने जिलों में दो दो बड़े स्थलों की पहचान करने को कहा है, जहां औसतन 2 से 3 हज़ार के बीच शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों के भीतर पूरा हो जाए। इसमें एक स्थल का चयन मूल आयोजन के लिए होगा, जबकि एक स्थल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आरक्षित रहेंगे। डीएम से कहा गया है कि आपके जिले में उपलब्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र उपयुक्त साबित होते हैं। अपर मुख्य सचिव के अनुसार नियुक्ति पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जाएगी। सभी अनुशंसित शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान करते हुए नियुक्ति पत्र दी जाएगी। जिला मुख्यालय में शिक्षकों के योगदान और अन्य औपचारिकता पूरी होगी। अक्टूबर मध्य में शिक्षकों के योगदान की संभावना को देखते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र यानी कि DRCC और बैकअप केंद्र में कंप्यूटर, प्रिंटर, UPS और बायोमेट्रिक उपकरण स्थापित कराए जाएंगे। एक बार फिर से बता दें कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। इसी महीने 15 अक्टूबर के बाद बिहार में शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की प्रक्रिया तैयार कर ली है। अक्टूबर के आधे महीने में परिणाम जारी होने के बाद दिवाली के पहले नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने शिक्षकों नियुक्ति के लिए 1,70,461 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। ये परीक्षा 24, 25, 26 और 27 अगस्त को हुई थी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सभी DEO को जारी निर्देश में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि परिणाम जल्द जारी कर दिया जाएगा। विभाग इसे लेकर अपनी तैयारी पूरी रखे ताकि योगदान की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जा सके। निर्देश के मुताबिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2023 के मध्य शिक्षकों के योगदान की संभावना को देखते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र एवं एक बैकअप केंद्र में व्यवस्था स्थापित की जाए। केंद्रीयकृत तरीके से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, इसलिए सभी प्रकार की औपचारिकता ऑनलाइन ही होगी। शिक्षक की नियुक्ति बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान कराकर होगी, इसलिए शिक्षक नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक ऐसी जगह का चयन करें जहां औसतन 2 से 3 हज़ार के बीच में शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों के भीतर पूरा किया जा सके। के पाठक ने निर्देश दिया है कि जहां भी इसकी व्यवस्था की जाए उन केंद्रों में पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर, प्रिंटर, UPS तथा बायोमेट्रिक डिवाइस लगाने की भी कृपा करें ताकि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब न हो।